1 जनवरी 2022 से हमने स्टार्ट किया है कि जितने भी पल्मोनरी टीबी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स की स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग के बाद यदि उनको टीबी पाई जाती है तो उनको टीबी का ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और यदि टीबी नहीं पाई जाती है और वो टीपीटी के लिए एलिजिबल होते हैं तो उनको टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी दी जाएगी। 2025 तक जिले, प्रदेश व देश को टीबी से मुक्त बनाने का लक्ष्य। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक के आदेशों पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। निदेशक जन स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार जयपुर व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर डॉक्टर के सोनी के आदेशों की पालना में अजमेर शहर के चिकित्सा संस्थानों में पदस्थापित डॉट्स प्रोवाइडर पैरामेडिकल स्टाफ को राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत NTEP न्यू PMDT गाइडलाइन 2021 के तहत 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षक जिला टीबी अधिकारी डॉक्टर लोकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2025 तक जिला, प्रदेश व देश टीबी से पूरी तरह मुक्त हो जाए। इसी लक्ष्य को लेकर इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला में प्रशिक्षण जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर लोकेश कुमार गुप्ता, हरीश चेनानी, अवनीश विल्सन और दिनेश कुमार द्वारा दिया जा रहा है। आज नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम NTEP के तहत 2 दिवसीय मॉड्यूलर ट्रेनिंग पैरामेडिकल स्टाफ की रखी गई है, आज की और कल की है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट से और ब्लॉक लेवल से ट्रेनर्स ट्रेनिंग दे रहे हैं। साथ ही हमारे स्टेट के कंसल्टेंट, WHO कंसल्टेंट भी ट्रेनिंग में शामिल हुए हैं। इसमें बेसिकली टीबी एलिमिनेशन के तहत टीबी डायग्नोसिस, टीबी का ट्रीटमेंट, टीबी का आउटकम और नीचे से संबंधित सारी ट्रेनिंग्स दी जा रही है। साथ ही TPT के बारे में स्पेशल फोकस है। TPT मतलब टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी। जितने भी हमारे पल्मोनरी टीबी के पेशेंट्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में टीबी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो अब 1 जनवरी 2022 से हमने स्टार्ट किया है कि जितने भी पल्मोनरी टीबी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स की स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग के बाद यदि उनको टीबी पाई जाती है तो उनको टीबी का ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और यदि टीबी नहीं पाई जाती है और वो TPT के लिए एलिजिबल होते हैं तो उनको टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी दी जाएगी। 2 तरह की टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी हमारे पास अवेलेबल है। आइसोनियाजिड है जो डेली दी जाएगी 6 माह तक, या फिर HR थेरेपी है, HP रेजिमेन जो 3 माह तक दिया जाएगा। अभी INH टैबलेट हमने स्टार्ट कर दी है। तो ये बेसिकली टीबी एलिमिनेशन के मोड में है। टीबी ट्रीटमेंट हम पहले से कर रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स को अगर हम प्राइमा फेसी ट्रीट कर देंगे तो हम टीबी एलिमिनेशन में काफ़ी हद तक सक्सेस पा सकते हैं। तो इसी के अनुसरण में 2 दिवसीय पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग रखी गई है। तो मतलब टीबी को समाप्त करना, बिल्कुल टीबी को समाप्त करना है। 2025 तक टीबी एलिमिनेट करना है हम सबका। अजमेर जिले से, राजस्थान से, भारत से हमको टीबी को हराना है और टीबी मुक्त देश हमको बनाना है। ये हमारा सबका सपना है, पूरे भारत देश का सपना है, जिसी के तहत ये सारी एक्टिविटी की जा रही है।